जीएसटी काउंसिल ने करीब 200 वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव किए। दरों में कमी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये सभी चीजें और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ा दिए गए, यानी कि ग्राहक का बिल जस के तस है। ऐसे में अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मोदी सरकार ने मुनाफाखोरों से निपटने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया, जिसका नाम है एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी देश के उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वास है। यदि किसी ग्राहक को लगता है कि उसे घटित टैक्स दर का लाभ नहीं मिल रहा, तो वह अथॉरिटी में इसकी शिकायत कर सकता है। सरकार चाहती है कि जीएसटी स्लैब में किए गए बदलावों का पूरा लाभ आम जनता तक पहुंच सके। यह अथॉरिटी जीएसटी में कम किए गए टैक्स का फायदा ग्राहकों को न देने वाले कारोबारियों की जांच करेगी। 5 सदस्यीय यह प्राधिकरण ज्यादा वसूली की गई रकम वापस करने का सुझाव देगा, पेनल्टी लगाएगा और आखिरी उपाय के तौर पर संबंधित कंपनी या इकाई का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर सकता है। भारत सरकार में सचिव स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण का प्रमुख होगा, जबकि इसमें केंद्र और राज्यों से 4 तकनीकी सदस्य होंगे। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि जीएसटी के तहत उससे ज्यादा पैसे लिए गए, तो वो इसकी शिकायत अथॉरिटी की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कर सकता है। कस्टमर को ये शिकायत उसी राज्य में करनी होगी जहां से जुड़ा ये मामला होगा। अगर मामला ऐसा है जिससे कई राज्य के लोगों पर असर पड़ सकता है, तो शिकायत सीधे स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखी जा सकती है। यदि शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई जाएगी, तो उसे संबंधित समितियां सेफगार्ड महानिदेशालय यानी डीजीएस को भेज देगी। डीजीएस अपनी जांच करीब 3 महीने में पूरा करने के बाद उसकी रिपोर्ट एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को भेजेगा। यदि अथॉरिटी को लगता है कि किसी कंपनी ने जीएसटी का लाभ ग्राहक को नहीं दिया, तो उसे यह लाभ उपभोक्ताओं को देने को कहा जाएगा। यदि उपभोक्ताओं की पहचान नहीं हो पाती, तो कंपनी को यह राशि एक निश्चित समय में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर करनी होगी। अगर अथॉरिटी को लगा कि ज्यादा सख्त कार्रवाई की जरूरत है, तो वे संबंधित कारोबारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।